अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गरम मसाले बाहर भी मिलते हैं, लेकिन उन मसालों में वो बात नहीं होती जो घर के बने मसालों में होती है। तो चलिए देख लेते हैं हम गरम मसाले को घर में कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 7 यानी कि 7 टेबलस्पून काली मिर्च है और 7 ही टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है। दोनों चीज़ों को हमें बराबर ले लेना है। और 4 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर जावित्री है और 7 मेरे पास दालचीनी है यानी कि सिनेमन स्टिक्स हैं 3 इंच की। साथ ही 50 मेरे पास हरी इलायची हैं और 15 बड़ी इलायची हैं काली वाली। 2 से 3 यहाँ पर आपको जायफल ले लेना है। साथ ही 8 से 10 मेरे पास यहाँ पर बादियान के फूल हैं। 3 टेबलस्पून मेरे पास लौंग है। 8 से 10 मैंने यहाँ पे तेज़पत्ते ले लिए हैं। बादियान के फूल अगर आपके पास हैं तो ऐड कर लें, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसके बिना भी आपका मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हमें इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने इन मसालों का मेजरमेंट वेट में ना करके स्पून से करा है, क्योंकि ये मसाले मेरे पास ज़्यादा थे तो मैंने उसमें से ही थोड़े थोड़े लिए हैं। इन सारे मसालों को आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो इनके जो एक्चुअल एरोमा है वो चली जाएगी। हमें बस इन्हें इतना सेकना है कि थोड़े से क्रिस्प हो जाएं। जब हम इन्हें ब्लेंड करें तो ये आराम से ब्लेंड हो जाएं। यहाँ पे जो भी बड़े मसाले हैं उन्हें थोड़ा सा तोड़ के छोटा छोटा कर लें, ताकि आपके जार के ब्लेड में ना फंसें और आराम से पिस जाएँ। अब मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेना है और इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना है ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं। मसाले ठंडे होने के बाद थोड़े से क्रिस्प हो जाएंगे। अब हमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर जार में डालना है और मसालों को तब तक ब्लेंड करें जब तक ये अच्छे से पाउडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। और यहाँ पर मेरा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। ये 100% प्योर है, खालिस है। आप भी इसी तरह इसे घर में बना के रख सकते हैं। आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के 6 महीने से लेकर 1 साल तक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। अगर आपको मेरे ये होममेड गरम मसाले की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।